अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस व्लॉग में आप सब लोगों को खुश आमदीद। आज का मेरा ये व्लॉग कराची से लेकर बाकू तक की जर्नी को जो है एक्सप्लेन करेगा। इस व्लॉग में मैं आपको सारा प्रोसेस बताऊंगा कि हम जब एयरपोर्ट में जाते हैं तो सबसे पहले क्या प्रोसेस होता है, बोर्डिंग पास कैसे मिलता है, इमिग्रेशन कैसे होती है, और उसके बाद हम कैसे जो है वो प्लेन में ट्रैवल करते हैं। सो मेरा पूरा व्लॉग इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, आप लोगों ने मेरे इस व्लॉग को एंड तक देखना है। सो स्टे ट्यून्ड। सो दोस्तों, हम अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं। सबसे पहला जो इसमें स्टेप है वो आपका चेक होता है आपका सामान। आप सबसे पहले सिक्योरिटी मशीन्स होती हैं, उनमें अपना सामान जो है वो डालते हैं। आपकी चेकिंग होती है सब कुछ। आप जो है लाइक अपने बैग्स वगैरह वो मशीन के अंदर डाल देते हैं। स्कैनर होता है, उसके अंदर आपका मशीन स्कैन करती है सारा सामान, और उसके बाद फिर आप चले जाते हैं अपने बोर्डिंग पास लेने के लिए। आप अपनी टिकट की फ़ोटोकॉपी, अपने वीज़े की फ़ोटोकॉपी और अपना पासपोर्ट लेकर एयरलाइन के काउंटर पर जाते हैं, और एयरलाइन वाले आपका पासपोर्ट, आपकी टिकट देखकर आपको बोर्डिंग पास निकाल कर देते हैं। आपका जो लगेज होता है, जो आपका बड़ा बैग होता है, वो वहीं पे एयरलाइन वाले आपसे ले लेते हैं, और आपको आपके बोर्डिंग पास के साथ एक छोटी सी जो है वो चिट दे देते हैं, और उसके बाद आप चले जाते हैं इमिग्रेशन के काउंटर पर। इमिग्रेशन के काउंटर पर सेम वही कुछ होता है। आप जाते हो, अपनी टिकट और अपनी वीज़े की कॉपी उनको एक देते हैं। एक कॉपी आपकी एयरलाइन वाले रखते हैं, एक कॉपी आपकी जो है वो इमिग्रेशन वाले रखते हैं। आपका जो वीज़ा होता है उस पर ओके टू बोर्ड की स्टैम्प जो है आपको एयरलाइन वाले लगा कर देते हैं। समटाइम्स अगर आपने किसी ट्रेवल एजेंट से टिकट कराई होती है या ट्रेवल एजेंट से आपने जो है वीज़ा लिया होता है, तो वो आपको जो है वो उस पर ओके टू बोर्ड की स्टैम्प लगा कर देते हैं। बट मोस्टली क्योंकि मैं बाकू ट्रैवल कर रहा हूँ, तो मैंने इसका जो वीज़ा है वो खुद ऑनलाइन अप्लाई किया था, तो इस पर मुझे एयरलाइन वालों ने खुद ही ओके टू बोर्ड की स्टैम्प लगा के दी थी, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट लगा के दी थी। वरना एजेंट हजरात से भी आप लगवा सकते हैं, अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा लिया हो और आपको ओके टू बोर्ड की स्टैम्प्स लगानी हो, तो आप किसी भी ट्रेवल एजेंट के पास चले जाएँ, वो आपसे 1000 लेंगे और आपको उस पर ओके टू बोर्ड की स्टैम्प लगा देंगे। उसके बाद फिर हम इमिग्रेशन के काउंटर पर जाते हैं, और इमिग्रेशन के काउंटर पर हम अपना पासपोर्ट और वीज़ा दोबारा से दिखाते हैं। इमिग्रेशन वाले उसमें हमें जो है वो एग्ज़िट की स्टैम्प लगा कर देते हैं, और साथ में हमारा जो वीज़ा है वो अपने पास रख लेते हैं। अब आगे जब हम जाते हैं तो हम जो है कुछ इमिग्रेशन ऑफिसर्स बैठे होते हैं, जो हमसे कुछ क्वेश्चनिंग करते हैं कि हम क्यों ट्रैवल कर रहे हैं। शो मनी हमने शो करानी होती है अगर हम कहीं बाहर ट्रैवल कर रहे होते हैं। जो पॉलिसी है वो ये है कि $1000 आपके पास होना चाहिए अगर आप बाहर जा रहे हैं। तो उसके अलावा जो है आपकी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह चेक होती है, आप किस पर्पज़ के लिए ट्रैवल कर रहे हैं, और उसके अलावा आपका पासपोर्ट देखा जाता है। अगर तो आप फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा आपको तंग करते हैं, आपसे क्वेश्चन ज़्यादा करते हैं। अगर पासपोर्ट पर पहले से काफ़ी स्टैम्प्स लगी हुई हैं तो वो इतने क्वेश्चंस नहीं करते हैं, और आपने उनको सारा कुछ डिफाइन करना होता है, सारा कुछ ब्रीफली आपने बताना होता है कि आप किस पर्पज़ के लिए जा रहे हो। मैं बेसिकली स्टडी वीज़ा के लिए जा रहा था, और मैंने बाकू जाना था अपना वीज़ा कलेक्ट करने के लिए, तो मुझे फ़र्स्ट टाइम उन्होंने लाइक थोड़ा तंग किया था, लेकिन मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाए तो उन्होंने जाने दिया। सो इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इमिग्रेशन वाले भी बहुत अच्छे होते हैं। अगर आप कॉन्फिडेंस में रहें, आप उनके साथ कोई हंसी मजाक वाला सीन ना करें, आप उनके साथ कॉन्फिडेंट होकर बात करें बिल्कुल डरे बगैर, तो वो आपको जाने देते हैं, आपको वो कुछ नहीं कहते हैं। और अगर आप जा रहे हैं सीधी लीगल तरीके से जा रहे हैं, तो वो आपको कभी भी कुछ नहीं कहेंगे। सो यहाँ पर जो है आपकी बुकिंग भी चेक की जाती है। जिस होटल में आप जा रहे हों, आपने उसकी बुकिंग भी शो करानी होती है। अक्सर जो बुकिंग्स होती हैं वो अनपेड होती हैं, तो उस पर वो कहते हैं कि पेड क्यों नहीं है, तो आप उनको ये कह सकते हैं कि ये यहाँ से पे नहीं होती है, वहाँ जाकर पे होती है। तो बुकिंग आप दिखाते हैं, उसके अलावा अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं, शो मनी समटाइम्स चेक करते हैं, समटाइम्स बस वो चेक नहीं करते, खाली पूछते हैं, और कभी कभी तो वो पूछते भी नहीं हैं। तो ये चीज़ें होती हैं जो इमिग्रेशन काउंटर पर पूछी जाती हैं। अच्छा, इमिग्रेशन से गुजरने के बाद, इमिग्रेशन के क्वेश्चंस के बाद आपने जाना होता है, आपने जाना दोबारा से अपना जो सामान आपके पास हैंड कैरी में होता है, आपके पास आपने जो भी रिंग्स पहनी होती हैं, घड़ी पहनी हुई है, बेल्ट पहना हुआ है, कुछ भी आपके मेटल का है, आपने सब कुछ उतारना है, वो सारा आपने फिर से जो है वो रखना होता है बास्केट्स में, और वो फिर मशीन्स में से गुजरता है सारा सामान, और उसके बाद आप जाकर अपनी एयरलाइन के गेट पर बैठ जाते हैं, जो आपके बोर्डिंग पास पर लिखा हुआ होता है। उसके बाद फिर आपने जाकर अपनी एयरलाइन में बैठना होता है।
जो कनेक्टिंग फ़्लाइट्स हैं उनका सीन ये होता है कि जो कनेक्टिंग फ़्लाइट के थ्रू जाते हैं वो जहाँ भी उनका कनेक्शन होता है वहाँ पर वो उतरते हैं। उतरने के बाद आपको वो ख़ुद ही बता देते हैं कनेक्शन वाले यहाँ चले जाएं और जिन्होंने बाहर जाना होता है उसी एयरपोर्ट पे जाना होता है तो वो दूसरी साइड पर चले जाते हैं। तो आपने जो कनेक्शन वाले हैं उन्होंने फिर से दोबारा से सारा का सारा सामान जो आपके हाथ में होता है, आपका जो मेन सामान है वो आपके प्लेन में ही रहता है, वो आपको नहीं मिलता, वो आपको आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन जहाँ पर आप पहुँचेंगे। जैसे मैं अभी कराची से बाकू जा रहा हूँ तो मैं दुबई में पहले उतरा था तो मेरा सामान जो बड़ा वाला सामान था 30 kg का जो बैग था वो मुझे बाकू में ही मिला, वो प्लेन से प्लेन दूसरे प्लेन में वो शिफ्ट कर देते हैं। बाकी जो सामान है वो आपने उठाना है अपने साथ ही, जो आपका वो हैंड कैरी होता है 7 kg का, और आपको बाकी जो भी आपने शॉपर्स वगैरह उठाए होते हैं वो दोबारा से सारे आपने वो चेक कराने होते हैं, दोबारा से वो मशीन्स में जाते हैं, सारी चीज़ें चेक होती हैं, ठीक है। उसके बाद दोबारा से जाके आप अपने एयरलाइन के गेट पर जाके बैठ जाते हैं और फिर आपका प्लेन आता है और आप उसमें जाके दोबारा से जो है वो बैठ जाते हैं और फिर आपकी जो डेस्टिनेशन होती है वहाँ पर आप जाके उतर जाते हैं। दोस्तों जब आप अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पर उतरते हैं तो वहाँ पे आपके सामान की कोई चेकिंग नहीं होती, आप बस सीधा इमिग्रेशन वालों के पास जाते हैं, वो आपका वीज़ा आपका पासपोर्ट देखते हैं और आपको जो है वो एंट्री की स्टैंप लगा कर देते हैं, आपकी पिक्चर बनाते हैं और उसके बाद जो है आप जो है एयरपोर्ट से जा सकते हैं। नीचे आपने जाकर अपना वो सामान लेना होता है, जो आपने वहाँ पर वेट करना है, वो बैग्स आ रहे होते हैं वहाँ से, अपने बैग उठाने हैं आपको, जो उन्होंने वो दी होती है चिट आपने वो चेक करानी है कि आपने अपना ही सामान उठाया, आपने किसी और का सामान नहीं उठाया, और उसके बाद आपने बस फिर टैक्सी वगैरह बुक करके जहाँ आपने जाना होता है फिर आप चले जाएँ। यहाँ के जो इमिग्रेशन है वहाँ पर सिर्फ आपकी जो है ना वीज़ा देखते हैं और आपका पासपोर्ट देखते हैं, वो यहाँ पर आपसे वो कोई सवाल नहीं करते कि आप क्यों आए हो, किस लिए आए हो, इस तरह का कोई क्वेश्चन नहीं होता, ना आपसे वो बुकिंग देखते हैं आपकी होटल की, ना वो आपसे कुछ और पूछते हैं। बाज़ औक़ात बस ये दो चीज़ें पूछते हैं कि आपकी रिटर्न की टिकट कब की है, बस वो अगर देखते भी हैं तो टिकट देखते हैं वरना टिकट भी नहीं देखते हैं, ये बस आपका पासपोर्ट और वीज़ा देख के आपको एंट्री की स्टैंप लगा कर देखते हैं, और माखू में इतना कोई मुश्किल सीन नहीं होता।